हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है, भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है, गंगा यमुना की भूमि यहां पर है, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ जिस पर 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है, वह भूमि भी हमारे पास है। दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य हमारे बगल में है, शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ, हाँ गोरखपुर में भी विकास हो रहा है। अरे आप गोरखपुर जाके देखे तो, गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है, वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है, उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए गोरखस्पीड की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है, हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चने चबाया है और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है, कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा।